उतनी उमदा समातें आप तमाम सामयी नागरीन मोमिनीन की है। आइए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारा हुस्न बयां हो रहा है महफिल में, तुम्हारा हुस्न बयां हो रहा है महफिल में। अब आइनों का यहाँ इम्तहान है अकबर, और है 14 सदियों से 18 साल सीन इनका। ज़ईफ हो गई दुनिया, जवान लाजवाब शेर जनाब सलीम बलरामपुरी ने पेश किए। हजरात महफिल अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। मुझे क़िबला पर मौलाना मोहम्मद इबास साहब का एक शेर याद आ रहा है, फरमाते हैं कि दुरूद पढ़ रुखे अकबर को देखने वाले, दुरूद पढ़ रुखे अकबर को देखने वाले, रसूल पाक की चलती हुई जवानी है, रसूल पाक की चलती हुई जवानी है। मोहम्मद वाले मोहम्मद की मदासराई हो रही है। आइए अब मैं एक ऐसे शायर को दावत कलाम देने जा रहा हूँ जिसकी शायरी में असरी आ गई है, साइंसी शऊर है। मेरी मुराद है जनाब नायाब अलियाबी से, बहुत ही मोहतरम शायर जनाब नायाब अलियाबी, न सिर्फ एक मोहतरम शायर, मैंने जो अपनी आंखों से करबला में देखा ये ऐसे जायक है। देखिए छम्मन साहब के साथ जो काफिला जाता है वो सिर्फ अपनी ज्यारतों का ख्याल नहीं रखता बल्कि दूसरों की ज्यारतों का भी ख्याल रखता है। जिस साल हम गए थे तो एक बुजुर्ग जिस्मानी तौर पर मजबूर एक खातून माँ थी और नायाब बलियावी उनकी खिदमत में लगे रहे, यही ज्यारत का मकसद है और यही ज्यारत के लिए एक दावत है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ नायाब बलियावी से कि हमें अपने कलाम से नवाजें, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इन्हें सलवात से इनका इस्तकबाल करें। ये धान पान जरूर नजर आ रहे हैं लेकिन बहुत जवान शायर है, समाज पर मैं फिर अपने कमान पे है, बेहतरीन शायरी हो रही है और सब कुछ नियत का मामला होता है। बेशक बेशक छम्मन साहब और उनके अहबाब उनके खान वाले की नियत है कि मैं फिर कमाल पे है। चार विषय मुलाकात भाइये, मैं ये इसका फायल है, शायरी में वक्त की धड़कन होनी चाहिए, हालात को समोना चाहिए। अभी जलजला आया था उसके बहुत सारे वजूहात बयान किए गए और के प्रोफेसर पृथ्वी शनाक ने कहा कि ज़मीन के अंदर पानी कम ज़्यादा हो जाता है, नरम मिट्टी हट जाती है, सिल्ट की परतें आ जाती हैं, काफ़ी टूट फूट होती है, उसकी वजह से प्लेटें टकराती हैं और जलजला आ जाता है। जलजला आने की एक वजह मैंने भी ढूंढी है, आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। भाइये इशारे कब सबको मानते हैं, जा जाता था कि मेरी ट्रेन है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। पेशेंट कोई नहीं करने लगे, लोग हाथ भी दिखाने पहुंच जाएंगे आपके पास। राह भाई अपनी हकीकत की परख खोल रही है, अपनी हकीकत की परत खोल रही है, कुछ अपने इशारों में सभी बोल रही है, अपनी हकीकत की परत खोल रही है। समझ रहे शेर उड़ जाता है कभी इधर उधर जाने जाता है, अपनी हकीकत की परत खोल रही है, कुछ अपने इशारों में जमी बोल रही है। दफनाया का जैसे कहीं दुश्मन है, दफनाया
फादर मोहतरम ने कहा बहुत कमजोर अपनी हकीकत के परत खोल रही है कुछ अपने इशारों में जमीन खोल रही है दफनाया गया जैसे कहीं दुश्मन है दर इस वजह से दरअसल जमीन डोल रही है दफनाया गया जैसे कहीं दुश्मन है इस वजह से दरअसल जमीन डोल रही है इस वजह से दरअसल जमीन नाथ शरीफ आपने सुने मैं भी नाथ के दो शेर सुना रहा हूँ बोला आइए नात अहमद सुना रहे हैं लोग नात अहमद सुना रहे हैं लोग खुद को मुस्लिम जता रहे हैं शेर पौधा दुआ जा खुद को मुस्लिम जता रहे शायद इससे मुझे ताकत आ जाए नात अहमद सुना जिसने ईजाद की है नात नबी जिसने ईजाद की है नात नबी उसको काफी बता रहा है रसूल के चाहने वालों को इस रुए जमीन से मिटा दिया जाए जो हुसैनी है उनको इस रुए जमीन से मिटा दिया जाए एक नारा गूंज रहा है एक शेर पेश कर रहा हूँ तरन्नुम तो हदौरी के लोग पसंद करते हैं बता दो हमारे दोस्तों सिर्फ दो शेर मैं लेके आया हूँ एक ये और इसके बाद एक शेर बता दो भाई पूरी दुनिया में नारा है कि हुसैन के चाहने वालों को गुवाची साहब मिटा दिया जाए बुरा भाई कुछ इस तरह बुरा भाई वो हर कदम पे हमें आजमाने वाला है कुछ इस तरह से सितम हम पे ढाने वाला है कुछ इस तरह दोष नबी के कुछ इस तरह से सितम हम पे ढाने वाला है वो हर कदम पे मुझे हमें आजमाने वाला है वो हर कदम पे हमें आजमाने वाला है तभी ताकिश न बच सके कोई दुनिया में आशिके महदी न बच सके कोई दुनिया में आशिके महदी न बच सके कोई दुनिया में आशिके महदी कोई इंकलाब
यहाँ जुल्म लाने वाला है, वो इंकलाब यहाँ अच्छे शेर के लिए तभी कैसा है शेर बना हुआ है दोस्तों, अगर ये शेर पहुंचा तो आ जाता हूँ। लकीर खान है काम की मिट नहीं पाई, सुना है हमको जमाना मिटाने वाला, लकीर खाने का बाकी भी नहीं पाई, सुना है हमको जमाना मिटाने वाला। ये खता की नाते अहमद सुना रहे हैं लोग, खुद को मुस्लिम जता रहे हैं लोग, जिसने ईजाद की है नाते नबी उसको काफिर बता रहे हैं लोग। नायाब साहब आपकी फरमाइशें बहुत हैं, मर्दाने से ही नहीं बल्कि खवातीन की भी फरमाइशें हैं, आपसे गुजारिश है अपनी। कहीं से जहरा को मजा खानी बहुत अच्छी लगती है, बुरा है इधर दो शेर में भूल के चला जा रहा था, मैं उसे पेश कर दूँ आपकी फरमाइश के लिए। मुलाफाइए गर्दन काट रहे हैं अल्लाह पर, गोली मार रहे हैं अल्लाह पर, जिस्म को जला रहे हैं अल्लाह पर। मौलाना फरमाइए तमहीद का एक शेर, उस शेर के लिए जो पूरी दुनिया में जाना चाहिए इस आलमी जश्न नूर के हवाले से। 1400 साल तक जिस जुल्म को हम झेल रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, आज दुनिया उसे महसूस कर रही है। मौलाना हुमायूं 142 बच्चों को सामने खड़ा करके मार दिया गया, दुनिया ने जुल्म को महसूस किया। हम शशमाहे मुजाहिद के हवाले से पूरी दुनिया को हम उनका पैगाम देते रहे। मौलाना हुमायूं यही शेर मैं देने जा रहा था, बड़ा वो मैं भूल गया। होठ पर अल्लाह अकबर है जफा के साथ, अगर सानी मसला लग जाए तो अच्छा होता। होठ पर अल्लाह अकबर है गद्दारी है दीन मुस्तफा के साथ साथ, ये तो गद्दारी है दीन मुस्तफा के साथ। दोस्तों ताई चाहता हूँ आपकी इसी शेर में तभी के साथ मैं आपाइए। मार कर बच्चों को जुल्म चार ने साबित किया, कुछ मुसलमान आज भी हैं मुल्ला के साथ। मार कर बच्चों को जुल्म चोर ने साबित किया, कुछ मुसलमान आज भी हैं मुल्ला के साथ। मार कर बच्चों को जुल्म चोर ने साबित, ये दीन जुल्म की सरकार से नहीं फैला, कभी भी दिरहम दीनार से नहीं फैला, नबी का दीन ये दरबार से नहीं फैला, ये दीन हक कभी दरबार से नहीं फैला, तलवार से नहीं फैला, यजीदियों का तरफदार हो नहीं सकता, जो फितनावर है आजादार हो।
पर है आजादार हो नहीं सकता। हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, जो अपने ताज जलालत पे था बहुत मगरूर, जो अपने जुल्म तशद्दुद से था बहुत मजबूर, हुसैनियों को रोला कर था जो बहुत मसरूर, जो ताहया समझता रहा मुझे मजबूर, मैं उसके जुल्म की आपिताई चाहा, मैं उसके जुल्म की थाची उड़ा के आया हूँ, मैं उस यजीद को फांसी चढ़ा के आया, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन वाला हूँ मैं, कहीं रहूँ मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ। क्या कहने मुहर्रम में गाँव आता हूँ, चार मुहर्रम का नजर आया तो फिर दुबई अच्छा नहीं लगता, बम्बई अच्छा नहीं लगता, बुरा बम्बई गाँव अच्छा लगता जहाँ सही तरह से बिजली भी नहीं पहुँच पाई, लोग शान से जाते हैं अपने गाँव, कहीं क्यों जाते हैं, कहीं रहूं मैं ताई जाता हूँ, मुहर्रम में गाँव आता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ, मैं अपने शहर का एक एक ताई जाता हूँ, मैं अपने शहर का गाँव गाँव की आजादारी से जुड़े हुए लोगों की नजर, कहीं रहूं मैं मुहर्रम में गाँव आता हूँ, मैं अपने शहर का आराम भूल जाता हूँ, वतन में अपने हमें बेवतन मनाता हूँ, मैंने दूसरा दिया भाई, हमें बेवतन वतन में अपने हमें बेवतन मनाता हूँ, मैं टूटे घर में भी फर्श अज़ा बिछाता, मैं टूटे घर में भी फर्श, और आपकी हैसियत क्या रहा भाई, आपकी हैसियत क्या है, मैं टूटे घर में भी फर्श अदा बिछाता हूँ, वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती है, वो मुफलिसी में बड़ा हौसला बढ़ाती है, अदा के फर्श पर जहरा जरूर आती है। नहीं पहुंची बुला भाई, ये बात सच है, मुखालिफ मेरा जमाना है, अली के लाल का परचम मुझे उठाना है, जो चल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है, जो चल रहे हैं उन्हें और भी जलाना है, हर एक हाल में फर्श अज़ा बिछाना है, वजूद सच है अपना मिटा दिया मैंने, अदा के वास्ते सब कुछ लुटा दिया मैंने, हुसैन वाला हूँ मैं, हुसैन का आखिर बन, और आपकी जहमत तमाम दोस्तों, ये दुनिया बहुत हैरत ज़दा है कि अपने जेब से ज़्यादा खर्च करने वाली कौम ये कंगाल क्यों नहीं हो पाई, ये कंगाल क्यों नहीं हो पाई, शेर पेश करता हूँ और आपकी जहमत तमाम, हमें हुसैन रोता हूँ और रुदाता हूँ, मैं अपने खून की तहारत को यूं बताता हूँ, मैं अपने खून की तहारत को यूं बताता हूँ, जो पास है वो हमेशा मैं लुटाता हूँ, जो पास है वो हमेशा उन्हें लुटाता हूँ, गरीब होकर भी फर्श अज़ा बिछाता हूँ, गरीब होकर बता हुए हाथों से जमींदारी टूटने के बाद से अपने पहने खाने पीने में कमी कर दी, लेकिन अपने मौला के जिक्र में कमी आने लगी, बुला भाई गरीब हो के भी फर्श अदा बिछाता हूँ, एक एक फर्श ताई चाहता हूँ, गरीब हो के भी फर्श अदा बिछाता हूँ, जहाँ छीने वो दौलतों जमींदारी, पाया कोई मुझसे ये आजाद।